आज हम मैनपुरी में हैं और मैनपुरी में हमारे साथ बीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं हरिओम निषाद जी। उनसे बात करेंगे पार्टी की नीतियों पर और उनके जो प्रत्याशी उतारे हैं उस पर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंजीनियर हरिओम निषाद है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ पश्चिमांचल बीआईपी पार्टी। आज आपने यहाँ पर सीट पर नामांकन कराया है, कितने ऐसे प्रत्याशी हैं जिन सीटों पर आपने नामांकन कराया है? बिल्कुल, आज मैनपुरी की दो सीट पे हमने नामांकन कराया है, जिस पे मैनपुरी जो सदर है वहाँ पे माननीय रामरतन कश्यप जी का नामांकन कराया है और भोगांव से हमने प्रदीप सहनी जी का भी कराया है नामांकन। क्या लग रहा है आपकी पार्टी आखिर दो ही सीटें क्यों? नहीं, मैनपुरी में इसलिए दो सीटें करी हैं क्योंकि हमारा एक मुद्दा रहा है और हमारे नेता ने कहा है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। ठीक है, तो भाजपा ने हमको आरक्षण तो नहीं दिया, केंद्र में भी उनकी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार है, तो भाजपा से समाज नाराज है। तो जहाँ पे हमारी संख्या ज़्यादा है उस जगह पे हमने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और जिन पे हमारी संख्या थोड़ी है वहाँ पे हमने जो भाजपा को हराएगा उसको समर्थन किया है। तो कहीं ना कहीं दो सीट पे वो देख लेगा अपने हिसाब से कौन प्रत्याशी जीतेगा, उसको समर्थन कर देगा। नहीं तो क्या आपको लगता है कि भाजपा प्रत्याशियों को हराने के लिए और निश्चित ही पाने के लिए? निश्चित ही हमारी जो गिनती है उत्तर प्रदेश में हम 15% हैं और उसकी गिनती होगी जहाँ जहाँ पे हम लड़ा रहे हैं, तो 10 तारीख को पता चलेगा कि हमारा वोट कितना है, क्योंकि हमारे वोट की कोई गिनती नहीं है और हमारे मौलिक अधिकार उनसे भी वंचित रखा जाता है। और 72 साल से जो हमारा वोट है, कभी भाजपा, कभी सपा, कभी बसपा, सबको वोट करते आ रहे हैं, किसी ने हमारी नहीं सुनी। इस बार भाजपा से भी कहा था कि अगर आरक्षण दे दोगे तो हम तुम्हारी सरकार बना देंगे, पिछली बार भी बनाई थी, लोकसभा भी जिता करके पहुँचे थे, प्रधानमंत्री भी बनाए थे, पर लेकिन उनने नहीं सुनी, तो इस बार रहना उनको चित करेंगे। ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष बीआईपी पार्टी के, जिनका ये साफ कहना है कि बीआईपी पार्टी हर उस जगह पर अपने प्रत्याशी उतारेगी जिस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। हालांकि इनका ये भी कहना है कि आरक्षण के मुद्दे पर हम लोगों ने बीजेपी के साथ थे, लेकिन बीजेपी ने केंद्र में होते हुए भी हमारे आरक्षण की मांग को पूरा नहीं किया। हालांकि इनकी नाराज़गी की भी यहाँ पर देखी गई और इसी नाराज़गी के चलते ये हर उस सीट पर अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं जहाँ इनकी संख्या का ज़्यादा है। हमारे साथ प्रत्याशी भी हैं, क्या नाम है सर आप? जी श्रीमान जी, मेरा नाम रामरतन कश्यप है जी और राष्ट्रीय महासचिव बीआईपी पार्टी से, और आज नामांकन करके आए हैं। हमारी पार्टी ने, हमारे माननीय मुकेश सहनी जी ने हमको इस लायक समझा, यहाँ उतारा। मैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के गढ़ में मैनपुरी सदर सीट पर पिछले 15 सालों से यहाँ पर सपा का प्रत्याशी? जी जी, ये बात पक्की है, आपकी मान रहे हैं बीजेपी पर, हाँ, को हराने के लिए समाजवादी पार्टी? देखो, बीजेपी को हराने का तो वास्तव में मन बना ही लिया है और ऐसे नहीं बनाया है, मतलब मेरे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये है, ये बताएं आप कि जिसको हक अधिकार नहीं मिलेगा तो क्या वो रूठेगा? नहीं, तो हमारा हक अधिकार उन्होंने नहीं दिया। वैसे तो ये भी है कि सरकारें कई इससे पहले भी रही हैं, लेकिन ऐसी सरकार नहीं रही जो राज्य में और केंद्र में रही हो। आज बहुत अच्छे पूर्ण बहुमत से सरकार बन के आई थी और दोनों जगह पर है, तो ये चाहते तो बहुत, मतलब जो हमारे को आरक्षण मिल जाता, आरक्षण मिल जाता तो हमें उनके साथ लग के हम उनको जिताते, लेकिन हैं जी, अब लग के हराएंगे जी, अब हम लग के हराएंगे और उनको दिखा देंगे कि वास्तव में लो, अगर हमारा हक अधिकार जो कोई छीनेगा तो मैं उस पर किसी तरीके से भी हावी हो सकते हैं। तो इसका मतलब सीधा ये है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे? देखो, समाजवादी के प्रत्याशी को तो ये है, वास्तव में हमको मेन मुद्दा है ये कि मतलब भाजपा को हराना। कितना वोट पाएंगे? वोट मतलब मेरा इस टाइम 40+ है, 40,000 के प्लस में, 40-45,000 वोट अपना है और अपना वोट, हाँ, सदर में, और अपना वोट मेरे को मिलेगा और पूरा वोट मिलेगा, और उसके साथ साथ अन्य और जो जिसका कोई मसीहा नहीं है, जैसे कोई प्रजापति समाज हो गया या मतलब प्रजापति हो गए और पाल समाज हो गया, ऐसा नाराजगी बता तो दिया, नाराजगी तो यही है आरक्षण को लेकर के। ये थे हमारे साथ प्रत्याशी रामरतन कश्यप, जिनका ये साफ कहना है कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे और इनका संख्या बल अधिक है, वहाँ पर इनके प्रत्याशी खड़े होकर सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराने का काम करेंगे। हालांकि इस संबंध में हमने इनसे ये भी पूछा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी से क्या नाराजगी है, तो इनका ये भी कहना है कि जो
केंद्र और प्रदेश में सरकार होने के बावजूद भी जो आरक्षण के मुद्दे की बात इन्होंने कही थी उनके नेता से, लेकिन बावजूद इसके ये लोग आरक्षण की मांग को इनको पूरा नहीं कर सके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये लोग इस चुनाव में हराने का काम करेंगे। यूपी न्यूज के लिए मैनपुरी से संजय शर्मा की रिपोर्ट।